ना तू ये बनेगा तू वो बनेगा लो ऐसा बनेगा ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था यार क्या बन गया हेलो जीतू साहब मेरे को भेज जाना मैं कप्पू को भेज जप्पू आपने मुझे इसलिए नहीं भेजा ना एक्चुअली मैंने दाढ़ी रख ली है मैं पहले गाड़ी रखने वाला था फिर गाड़ी महंगी पड़ी पड़ी थी मैंने दाढ़ी रख ली जीतू जी शी आर माई गुंडिस शी इज सुतली एंड शी इज चरकी एक्चुअली लड़कों को सब गुंडे रखते हैं मैंने लड़कियां रखी हुई हैं इन दोनों को साथ रखने का फायदा बड़े सिद्धू साहब पता है लफड़ा होता है ना मार पड़ी कम पड़ती है मैं इनको आगे कर देता हूँ गुंडी साहब ये बहुत शेर मारते हैं सिद्धू साहब आपको क्या लगता है सिर्फ आप शेर बोल सकते हैं मैं भी बहुत शेर मारता हूँ कल मैंने एक शेर मारा मैंने कहा मैं इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी तो मैं इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी वो उधर चली गई मैं उधर चला गया देखो मैं क्या कह रहा हूँ ये फालतू में तुकबंदी करना वाह वाह करना मैं इसमें बिलीव नहीं करता मेरे को ये है कि जो आदमी घर से निकलना है पहुंचना चाहिए भाई जब ये मेरे अंडर काम नहीं करती मैं इनके अंडर काम करता हूँ इनको मैंने एज ए बॉस रखा हुआ है क्योंकि क्या है ना इनको ऐसे पगार पे रखो तो इनको पगार देना पड़ता है अभी मैंने इनको एज ए बॉस रखा हुआ है तो ये मेरे को पगार देती है सिद्धू जी हमारा बदमाशी का काम है खानदानी काम है मुंडन से लेके शादी तक हर जगह की बदमाशी करते हैं हम लोग रिश्तेदार वगैरह पीट लेते हैं हम बाकी लोगों से हम तो मेरे को जैसे 6 साल के छोटे लड़के में पीट देता हूँ उससे बड़े नहीं मेरे से पीटते बदमाशी में क्या रिस्क बड़ा है साहब जब तक आप हावी हो ठीक है सामने वाला हावी हो जाए ना टेटनस की सुई लगती है वही मेरे को सुई से प्रॉब्लम नहीं मैं डरता नहीं हूँ लेकिन वो जो ऐसे उतार देते ना शेम शेम होती है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये मेरी गुंडी ये भी मेरी तरह अखबार फेंकती है ये शाम को सामूहिक विवाह में मेहंदी लगाती है तुम लोग जाओ मैं अब बाद में आता हूँ ठीक है सलूट करके जाओ साहब को सिद्धू जी हाँ जी मेरी एक प्रॉब्लम है क्या एक लड़की मेरे सपने में आती है रोज कहीं मेरे सामने आ जाए ना वो मैं जुंडी पकड़ के घुमाऊँ उसको कोई सुबह सुबह किसी के सपने में आने का टाइम होता है 5 बजे मेरे डार्क सर्कल पड़ गए ये कोई टाइम है घर से निकलेगा फोन क्यों नहीं किया मुझे एक्सक्यूज मी फोन क्यों करूं कौन हो तुम मैं तुम्हें जानती नहीं जानती तो सोनी टीवी वालों को भी नहीं रोज 10-10 फोन करती मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो चलना नाम बता अपना भूरी एंड यू सुनना मेरी बात मेरे को तेरे से प्यार हो गया आई लव यू एक्सक्यूज मी कौन हो तुम कप्पू का कजन कप्पू क्या कप्पू सुनना तो मेरे को क्यूट लग रही है तेरे को देखते मेरे को कुछ कुछ होता है क्या होता है डकार आते हैं मेरे को कोई अच्छी सी दवाई बता ना मेरे को अरे तो डॉक्टर के पास जाना मेरे पास क्यों आए हो डॉक्टर पैसे बड़े लेता है तू नींबू पानी पिला अच्छा अब मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाऊं क्यों तूने बेचना छोड़ दिया नींबू पानी बेचने वाली लगती हूँ तुम्हें I'm so sorry अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा लगती तो तू गुड़ बेचने वाली है कैसे दिया गुड़ 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 मैं कॉलेज जाती हूँ पढ़ने कॉलेज पढ़ने में क्या रखा है मेरे गले पढ़ तेरे को देख कितना मजा आएगा अच्छा मेरी बात सुनना तेरा एक बात बता मेरे को तेरे को सलमान पसंद है कि ऋतिक ऋतिक तो ठीक है हम अपने होने वाले बेबी का नाम ऋतिक रखेंगे हेलो शादी अपनी शक्ल देखिए मैं भी तो तेरी शक्ल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं एक ज्यादा मत बोल ऐसे गुलाब तेरे नाक में दे दूंगा छींक मारेगी ना सुन मेरी बात अच्छा बात सुनना फिर तू गुस्सा क्यों बड़ा कर जाती है तेरे को वो कटरीना पसंद है तेरे को सोनाक्षी कटरीना पसंद है ये बात सोनाक्षी को बोल के तेरी टांगे तोड़वाता हूं तेरी मैं यार मैं मजाक कर रहा था मैं तेरे साथ ऐसे मन लगा रहता है चैनल का भी भरोसा बना रहता है कि बंदे ठीक है मौसम देख कितना अच्छा है चल बीच पे चलते हैं वहां क्या करेंगे ऐसे बीचों बीच चलेंगे ऐसे बीचों बीच चलेंगे फिर साइड साइड हो जाएंगे फिर बीचों बीच देख कितना मजा आएगा वहां नारियल पानी बेचेंगे बड़ी कमाई होगी मैं तेरे को बता रहा हूँ एक सेकंड डेट पे ले जाकर कौन नारियल पानी बेचता है मैं बेचूंगा तेरे जरूरी बिकवाऊंगा पागल है तू
तू वो करना मालिश। अपने पैरों पे सरसों का तेल लगा के ना, मोटे मोटे आदमी लेटे रहते हैं, ऐसे स्कीन करना। तेरे को भी मजा आएगा, मोटे को भी ऐसे ऐसे होगा, झुंझुनी रहेगी, मजा आएगा। एक बिजनेस का भी सोचा कर, घर चलाना पता कितना मुश्किल है। सिद्धू जी को देख ले। क्या देख लूं? ऐसे देख, मजा आएगा उनको। उनको अच्छा लगेगा। वो भी तो तेरे को देखते हैं। अच्छा छोड़ना, ये बता काला खट्टा खाती है? नहीं। तो फिर होठ कैसे खराब हुए तेरे? ये गुस्सा बेटा करती है ये। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है या तुमने पागलपन में पीएचडी की है? तुम्हारे होठ शुरू से ऐसे हैं कि सड़क चाट चाट के की है। मेरे से बात बात नहीं करनी है मेरे को। लड़कियां मरती है मेरे पे, और जो ना मरे मैं ऐसे चुभो के मार देता हूँ। तुम्हें ठीक है, ये मत उठाना। अपनी लिमिट में रहो तुम। चल, जिसकी है उसको वापस कर गया। फ्री आई तुम। अपनी लिमिट में रहो। लिमिट में नहीं रहना, मेरे को ठंड लगती है, रजाई मेरे। चलना गदर मजाते हैं। खबरदार, मुझे छुआ तो मैं शोर मचा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। भड़क क्यों रही है? चल मैं आज फिल्म देखने चलते हैं। जीजा खिलवाए पिज्जा, क्या बोलती है? जल्दी जल्द पिज्जा, आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा, 30 मिनट में डिलीवरी हो जाती हो। बाहर में गई तुम और तुम्हारा पिज्जा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी दूसरा लड़का है। क्या? दूसरा लड़का? पहले वाले को पता है तेरी लाइफ में दूसरा लड़का है? और दूसरे वाले को पता है तेरी लाइफ में पहला लड़का है? नहीं तो पहला दूसरा दोनों हार्ट रहेंगे। अरे बेवकूफ, मैं किसी और को चाहती हूँ। ओ मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, वैसा धोखेबाज। अरे क्या धोखेबाज, दूसरा लड़का पहले से है। अच्छा दूसरा पहले से है, तो पहला दूसरे से तो वाह। क्या मेरी जिंदगी में एक ही लड़का है जो पहले से है, जिसे मैं चाहती हूँ? तो कोई बात नहीं, मिलके रह लेंगे, उसमें क्या है। आई विल एडजस्ट। क्या बोलती है अद्दी के कंडाला? ए सुनना। क्या है? अपने मोहल्ले का आमिर खान हूँ मैं, ये देख अद्दी के कंडाला। देख मेरी बात सुन, आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूं। ओके अपनी नहीं, मेरी, मेरे को शर्म आती है। गिफ्ट ही कुछ ऐसा है। खबरदार, कोई उल्टी सीधी अगर चीज दी तुमने तो। घूम तो सही, घूम तो सही। ओ माय गॉड, कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बालों में फूल लगाना चाहता हूं, क्योंकि फूल गमले में ही अच्छे लगते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पूरा समंदर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं यहाँ तालाब में गोते खा रहा हूँ। ए फूल निकाल, मेरा फूल निकाल। ए मेरा फूल। बुरी का फूल क्यों खींच रहे हो? मैं नहीं चीन, मैं तो ऐसे पकड़ा हुआ था, इधर आके अपना जूड़ा अड़ा रही है ये पागल औरत। मैं तो इसको जानता तक नहीं, एवरेज सी दिखने में लड़की कौन है ये? हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उसका रास्ता रोक लिया? तेरे घर में बाप भाई नहीं है? चल जाके उनको देख। झूठे धोखेबाज, मक्कार कहीं के। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आ आओ छू। अभी तक तो तुम मेरी तारीफ कर रहे थे। देखो बारिश में आदमी जा रहा हो ना, थोड़ी देर के लिए पान के खोके के नीचे खड़ा हो जाए तो उसका घर नहीं हो जाता। मैं ना तुम्हें देख लूंगी। हाई हील पहन के देखना, नहीं तो इतना इतना सिर्फ देख पाओगे। वाह, कौन हो बीच में बोलने वाली चिंगारी? मैं एयर होस्टेस हूँ, हम लोग के बीच में ही बात करती हूँ। तो अपनी कुर्सी की बेड़ी बांध लो, इसके पहले कि मैं तुम्हें टेक ऑफ कर दूं। ए बूंदी की लड्डू, ए दिवाली की सोन पापड़ी, इधर से उधर फॉरवर्ड होने वाली, कहीं तो टिक जा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहे? She's trying to be funny, but she's not. Loser. You are my honey. Oh, yo, honey singer. मैं तुम्हें देख लूंगी। देख ले मेरे को, इससे ज्यादा क्या देखेगी तू?
चिंटू जी को भी देख ले, ऐसे लेफ्ट आउट फील करते हैं फिर वो. तुझे क्या है, सारे दिन सबको घूरती रहती, तेरा नाम भूरी नहीं घूरी होना चाहिए, घूरी चल हट. तो जा कभी हरियाणा में जाकर देख, तेरे से बड़ी लौकी होती है. तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगी. 12 बजे से पहले लेना, 12 बजे के बाद बदला हुआ सामान वापिस नहीं किया जाता. चल जान देना गुस्सा. Come on, hug me. Excuse me? शाम का क्या प्लान है फिर? मुझसे दूर रहो. क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है? ओ भाई बहन, मैंने इतनी डेकोरेटेड नर्स पहली बार देखी है. थोड़ा पढ़ लिख लो, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं एयर होस्टेस हूँ. ओ माय गॉड, यू एयर होस्टेस, मैं तुम्हारा यात्री. थोड़ा उड़ाओ ना मेरे को ऐसे. जल्दी से प्यार की पेटी बांधो. विमान के चारों द्वार बंद करके लेट्स गो फॉर आपातकालीन स्थिति. लेट्स गिव ऑक्सीजन टू ईच अदर. सुनने मेरी बात, यू लुक हॉट. कैन आई कॉल यू बेबी? नो, मेरा नाम चिंगारी है. ओ माय गॉड, व्हाट ए नेम. तुझे शर्म नहीं आती? आती है, जब मैं ऐसे नहाते हुए खुद को देखता हूँ मेरे को बहुत शर्म आती है. ओहो, दफा हो जाओ, यहाँ मुझे जाने दो. सुनना मेरी बात सुन, दुख सुख में ना पड़ोसी काम आता है, मेरे को पायलट बनाना. पायलट कैसे बना सकते हैं, उसका कोर्स होता है, कोर्स करो. मेरे से नहीं होता, आई हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम. मेरे को इंतजार नहीं कि मैं बैठा हुआ और मैं लोगों का वेट करूं, जिसको बैठना बैठे, मैं तो रोकूंगा इधर जिधर मेरा मन करेगा. एक काम करो, तुम जाओ और पायलट बना के आओ, फिर मैं आपके साथ बात करूं. ये क्या पायलट पायलट लगा के रखा, कितने झूठे होते हैं तुम लोगों के पायलट. मेरे को पता है, कहते हम 40,000 फीट के ऊपर से उड़ रहे हैं, किसी को क्या पता सच बोल रहे कि झूठ. हमने नाप के देखा जीतू जी, कोई नापेगा? बिल्कुल ठीक. और वैसे भी सिद्धू जी, मेरे को लगता है 40,000 फीट क्यों उड़ाना, उतना उतना उड़ाओ जितना जितना मोबाइल का वो टावर उसकी चोंच ना लगे टंकी में. ये मेरी बात सुनो, ये सब पायलट लोग पागल होते हैं, मेरे को पता है. लिसन, इतना आसान नहीं है फ्लाइट उड़ाने के लिए. इतना आसान नहीं है ऑटो चलाने के लिए. ओ गवार, ऑटो और प्लेन के कितने फर्क होते हैं. तो फर्क होता है, तेरा पायलट तो हवा में अकेला उड़ाता ना, यहाँ पे सड़क पे 200 गाड़ियां आ गई, 200 पीछे, बीच में से ऐसे करके निकाल के लेके जाता है, तेरे को पता है. बोर्डिंग और चेकिंग भी खुद ही करना पड़ता है, सामने शीशा है, पीछे बैठी सवारी को भी देखना होता है. कभी कभी सवारी ऐसी चीजें करती है कि ध्यान नहीं हटता, ऐसे पीछे पीछे देख के आगे आगे चलाना पड़ता है. लेकिन बड़ा जहाज जहाज लगाए रखा, ओए अपने जहाज के टॉयलेट ठीक कराओ पहले. वो काम वाम करने के बाद बटन दबाते इतनी आवाज आती ना. एक बात बता, वो टॉयलेट सीट में सीट बेल्ट क्यों नहीं रखते? वहाँ सीट बेल्ट का क्या काम? अरे क्या बात करती, आदमी धोते धोते जान दो बैठे. मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ घर. मैं छोड़ देता हूँ ना तेरे को. नहीं, मेरा घर यहाँ ही सामने. तो बात सुनना, फासला बढ़ा देते हैं. वैसे भी किसी शायर ने कहा है, रास्तों में ही मजा है, मंजिल में जाके कहाँ ढिंक जिके ढिंक जिके. ए बात सुन, हेलो. नो. ओ हेलो, बाय. बात तो सुन मेरी. नो. ए मैं तेरे साथ आ रहा हूँ. हट. ए बात तो सुन.